हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला और आज की वीडियो जिस बारे में है वो मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी में लगाई थी कि मुझे कोई सजेशन दे जिसमें मैं वीडियो बनाऊं। तो आज सजेशन में वीडियो है $1 चैलेंज, बोला था एक लड़के ने, तो हम $1 चैलेंज करेंगे। मतलब $1 में आप स्ट्रीट फूड से क्या क्या खा सकते हैं, $1 मतलब 155 रुपीज़। अब देखते हैं हम इसमें क्या क्या खा सकते हैं, सस्ती से सस्ती चीज़ और अच्छी से अच्छी चीज़ आपको दिखाएंगे जलालपुर की, कि हम $1 में क्या क्या ले सकते हैं। तो चलते हैं, मेरे साथ बिलाल होगा और मुनीब होगा, तो बाइक पर चलते हैं। अभी तकरीबन हो रहा है 3, तो निकलते हैं। तो हम अपनी फर्स्ट लोकेशन पे आ गए, यहाँ पे गोसिया मस्जिद के पास है समोसे वाला। तकरीबन जलालपुर में अगर आपने बेस्ट समोसा खाना है तो यहाँ से मिलता है। मेरे साथ है ये बिलाल है और अभी मुनीब भाई आपको अपनी सस्ती खैरी सुनाएंगे, वो सुने फिर आगे चलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट स्टॉप पे। ओए मैं तो आज समोसा खाया बहुत दिनों के बाद, तो बहुत मज़ा आया समोसा खाने में। सही है यार, तो वो पुराने ज़माने में एक जो है ना गली में आते थे ना, तो वो टेप लगाई होती थी उसमें। तो ये है कि एक शेर है, दुनिया सारी वैरी हुई ते अपने होए पर आए, असलम दर्दी हो के मरदा नहीं रब रसूल दी जान। तो यूरिया समोसा ते दिल बहार वाला समोसा, जरा एक बार खाएगा और बार बार खाएगा। आप भी खाओ ते बचे लैके। तो अभी हम अपनी सेकंड लोकेशन पे आ गए हैं, बिरयानी कराची बिरयानी। 60 की बिरयानी थी, 20 का वो था, 80 ख़त्म हो गया तकरीबन, रह गए 75 बच गए हैं। 75 का और कुछ करते हैं, 5 चीज़ें करनी थी। अब देखते हैं और हम क्या खा सकते हैं $1 में। अभी बिरयानी खाइए, कराची बिरयानी है, कराची नसीब बिरयानी। और अगर आप जलालपुर में रहते हैं तो इससे बेस्ट बिरयानी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। हम आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ बताएंगे यहाँ की, ठीक है, स्ट्रीट फूड रिव्यू। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. So yahan pe हम गोरमे आए थे स्लश, लेकिन स्लश ऑफ है क्योंकि सीज़न चेंज हो गया, तो इस वजह से हम यहाँ से आगे कोई नेक्स्ट लोकेशन में जाते हैं, स्लश का सीन कट गया। अभी हम आए हैं अपनी थर्ड लोकेशन पे, ये चांदी चौक में कुल्फी वाला। अगर आप पंजाब में रहते हैं तो राह वाली से गुजरा वाला तक स्टॉल लगे हुए हैं कुल्फी वाले, कोई बाबा है उसके, ठीक है। तो उसी तरह की ये कुल्फी है, तो हम ये खाने आया, काफ़ी अच्छी थी, अगर आप आएँ तो यू शुड ट्राई। बाकी ये मुनीब, बहुत मज़ा आया कुल्फी का, बहुत मज़ा आया। चले अगले स्टॉप पे जाते हैं। तो हम अपनी फोर्थ लोकेशन पे आ गए, कुर्सी वाले को भी हमने 20 रुपये दिए थे। तो ये भुट्टा खा रहे हैं, भुट्टा चली जो भी आप बोलते हैं, खैर 20 रुपये यहाँ पे हैं, तकरीबन अब 120 हो गए हैं, 35 रुपये बची हैं। अब देखते हैं 35 का हम क्या खा सकते हैं, चलते हैं फिर 35 का कुछ करते हैं। अभी हम अपनी 5th लोकेशन पे हैं, यहाँ पे ये बंटे वाली बोतल है, मुनई बंटे की बोतल कैसे घूमती है दिखाएं, बताएं। ऐसे ही है, तो अब ये तकरीबन 20 रुपये का, अब हमारे पास रह गए हैं 15 रुपये, और 15 का देखते हैं क्या खाना है, बाकी डॉलर ख़त्म हो गया, आगे चलते हैं, मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। अब
अभी हम आए हैं चमन स्वीट पर, ये भाई हैं यहाँ के तकरीबन अगर बेस्ट समोसा आपने खाना है जलालपुर का तो ये भाई बनाते हैं, और जलेबी हर चीज़ बहुत बेस्ट है इनकी, ठीक है। तो यहाँ से अब हम जलेबी खाने आए हैं क्योंकि खाना वाना फुल हो गया, पेट भी फुल हो गया, अब मीठा खाएंगे तो चलेंगे, अब ये भी खाली हो गया, 15 रुपये बचे थे, 15 की जलेबी खाएंगे बस अब चलते हैं। और अगर आप जलालपुर आएँ तो इनकी शॉप पर ज़रूर आना है, गोसिया मस्जिद के पास है, ठीक है, चमन स्वीट जलालपुर। वैसे आप कहीं से पूछेंगे ना आपको पता चल जाएगा। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बस इतना ही था, और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में क्योंकि 155 रुपीज़ ख़त्म हो गए हैं। और अगर इस वीडियो पे आए 300 से ज़्यादा व्यूज़, नॉर्मली हमारे व्यूज़ चले हैं 100, ठीक है, तो अगर 300 से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो हम 300 से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो $10 चैलेंज होगा, उसमें कोई और चीज़ों को मैं कवर करूँगा जलालपुर और गुजरात की मैं भी कर लूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।